हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मौजूद है टेक्नो स्पार 4 लाइट। दोस्तों, इससे पहले ये मोबाइल आया था टेक्नो स्पार 4 16,000 के प्राइस में। उसके बाद ये हमारे पास मोबाइल मौजूद है टेक्नो स्पार 4 लाइट, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दोस्तों, ये मोबाइल 32 GB की इंटरनल स्टोरेज रखता है, साथ में 2 GB इसकी रैम है। इसके अलावा दोस्तों, हम इसकी दूसरी साइड पर देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी, फिंगरप्रिंट सेंसर, 4G LTE, 8 MP का फ्रंट कैमरा और फेस अनलॉक और 6.52 का डॉट नोट स्क्रीन है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास ये आप ये देख सकते हैं, हमारे पास दूसरी साइड पर लिखा हुआ 12+1 मंथ की वारंटी के साथ। 1 माह की वारंटी हमें एक्स्ट्रा मिलने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है मॉडल BB4K 32+2। दोस्तों, इसके अलावा इसका जो कलर होने वाला है वो हमारे पास मिडनाइट ब्लैक लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसको मोबाइल को खोल लेते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ लिखा है 12+1 मंथ की वारंटी के साथ ये कार्ड मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा आप ये देखते हैं, ये रही हमारी डिवाइस, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4G LTE, 32 GB रोम, 32 GB रैम प्लस 2 GB रैम के साथ। यहाँ पर लिखा है 6.52 डॉट नोट स्क्रीन, 4000 mAh की बिग बैटरी, 8 MP फ्रंट कैमरा विद फ्लैश के साथ और फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे पास मौजूद है, फेस अनलॉक है 2.0 के साथ। और इसके अलावा देख सकते हैं, हमारे पास जिसका कलर है वो ब्लैक कलर है, जो कि दिखने में बहुत शानदार लग रहा है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हम इसका ऊपर वाला ये स्टिकर रिमूव करते हैं। दोस्तों, हम इस मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों, जब तक ये हमारा ये मोबाइल ऑन हो रहा है, हम इसके अलावा मोबाइल के बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट थे, वारंटी कार्ड 12+1 मंथ के साथ, और इसके अलावा ये कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए कोई हमें दिए गया है, और इसके अलावा ये यूज़र मैनुअल बुक है स्पार्क 4 लाइट, और इसके अलावा हमें यहाँ पर मिलने वाला है स्क्रीन पेपर, जो कि पहले के टेक्नो के किसी मोबाइल में मौजूद नहीं है। उसके अलावा देख लेते हैं हमें पाउच कैसे मिलना होगा। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हमारे पास इसका ये आ चुका है पाउच, ये प्लास्टिक हार्ड मटेरियल का बनाया गया है, पहले की तरह सिलिकॉन पाउच हमारे पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, हम इसको लगा कर देख लेते हैं हमारा मोबाइल कैसा दिखने वाला है। ये दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का बैक पाउच मैंने इस मोबाइल पर लगा दिया है, जो कि बहुत शानदार लग रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक का कवर है ये शीशे की टाइप का है, वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। ये पाउच बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, मोबाइल ये मोबाइल देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हम मोबाइल की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। पहले हम इस पाउच को उतार लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मोबाइल है इस वक्त पूरी तरह ऑन हो चुका है। हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। दोस्तों, हमें ये मिलने वाली है आम चार्जर वाली पिन, हमें ये मिलने वाली है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर हैंड फ्री भी दी गई है। हैंड फ्री कुछ इस टाइप की, आईफोन टाइप की जो हैंड फ्री हमें दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास टेक्नो मोबाइल का ये चार्जर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर इसके जो वेयर्स हैं वो शो नहीं किए गए, लेकिन ये जनरल चार्जर इसी तरह का होता है और ये मोबाइल को अच्छा चार्ज करता है। दोस्तों, इस वक्त हमारी जो डिवाइस है वो पूरी तरह ऑन हो चुकी है। दोस्तों, डिवाइस की बात करें तो हमारे पास जो डिस्प्ले है वो 5.52 इंचेस का है और हमें IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम ये देख सकते हैं, हमारे बैक साइड पर फ्लैश लाइट मौजूद है, मेन कैमरा, और ये हमारे पास फिंगर सेंसर मौजूद है, और इस साइड पर हमारे पास मौजूद है कैमरा मौजूद है 8 MP का। दोस्तों, जो बैक कैमरा है वो भी 8 MP का, और हमारी ऊपर वाली साइड पर हमें कोई चीज़ नहीं दी गई। और इसके अलावा अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास डाउन साइड पर चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, ये हैंड फ्री जैक, और ये माइक की जगह है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, हमारा जो मोबाइल है वो पूरी तरह से इस वक्त पहुँच गया है,
दोस्तों अब इसके हम इसकी सिम जैकेट की बात कर लेते हैं। हमारी जो राइट साइड पर अभी वाली अप डाउन करने वाली दो कीज दी गई हैं और साथ ही नीचे हमें ऑन ऑफ वाली की भी हमारे पास मौजूद है और जो राइट साइड पर इस वक्त हमारे पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। दोस्तों अब देख लेते हैं इस वक्त इसके बाद इसकी सिम ट्रेस की। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पास रिमूवल बैटरी नहीं होगी, फिक्स बैटरी के साथ मोबाइल 4000 mAh का ये मोबाइल हमारे पास मौजूद है। 32 GB इसकी रोम है और 2 GB इसकी रैम है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये सिम डालने के लिए दो जैकेट्स दी गई हैं और इसके अलावा हम इस जगह पर एक्सटर्नल कार्ड डाल सकते हैं। 32 GB मेमोरी के बाद भी हम इसमें एक्सटर्नल कार्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये नॉन मूवेबल बैटरी है जो कि 4000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ और इस मोबाइल की बैटरी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसको देख लेते हैं कैमरा की कि हमारे पास किस तरह के कैमरास अवेलेबल हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है इस वक्त का 8 MP का बैक कैमरा। दोस्तों आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पास ये जो कैमरा है 8 MP का दूसरा कैमरा किसके मोबाइल की जो कैमरास है उसका रिजल्ट किस तरह होने वाला है। तो दोस्तों आपने ये देखा। इसके बाद हम दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये मोबाइल का जो मेन्यू है वो कुछ इस तरह से खुलने वाला है। इसके अलावा हम इसकी डाल लेते हैं इसकी सेटिंग के अंदर और हम सिस्टम के अंदर देख लेते हैं इस वक्त हमारे पास क्या क्या मौजूद है। दोस्तों आपको जो है CPU 1.8 GHz का मिलने वाला है और उसकी रेजोल्यूशन है वो 720 रेजोल्यूशन के साथ हमें मिलने वाला है। 8 GB इसकी जो है बैक कैमरा है और 8 GB इसका फ्रंट कैमरा है। 32 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज है और इसकी 2 GB इसकी रैम है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास स्मार्ट फोन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मौजूद है। एंड्रॉयड वर्जन हमारे पास 9 का दिया गया है और इसके अलावा डिवाइस का जो नेम है टेक्नो स्पार्क 4 लाइट है। उसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। तो दोस्तों कैसे लगी हमारे अनबॉक्सिंग की? इससे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कंपेयर करने वाला हूँ टेक्नो स्पार्क 4 और टेक्नो स्पार्क 4 लाइट को। इन दोनों के दरमियान दोस्तों सिर्फ फ़र्क है 1500 की प्राइस का और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी ये वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।